Welcome back students, here I am with another subject, computers. So let's start with your first chapter, Nature vs. Machine. So let's start reading. The things around us like plants, animals, land and human beings are made by nature or God. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ें हमें हमारे चारों तरफ देखने के लिए मिलती हैं like plants, पेड़ पौधे, animals, जानवर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये किसने बनाई हैं? प्रकृति ने बनाई हैं, या आप कह सकते हैं कि गॉड ने बनाई हैं। द थिंग्स मेड बाय गॉड आर नोन एज नेचुरल थिंग्स। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रकृति से मिली है या कहें कि गॉड ने बनाई है तो हम उसको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। द थिंग्स गिवन बिलो आर नेचुरल थिंग्स। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और ये सभी क्या हैं? नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल हैं, लाइक लॉयन, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, फ्लावर्स, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें प्रकृति से मिली हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। द थिंग्स मेड बाय मैन आर नोन एज मैनमेड थिंग्स। लेकिन जो चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं या ह्यूमन बींग्स ने तैयार की हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स, उनको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। द थिंग्स गिवन बिलो आर मैन मेड थिंग्स। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको, कार, क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन, बिल्डिंग। अब आप जानते हैं ये सभी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, इसमें से कुछ भी हमें प्राकृतिक तौर पर नहीं मिला है, तो यही ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी? मैन मेड थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम जानेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सम नेचुरल थिंग्स दैट कैन ब्रीथ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। वो कहते हैं जो नेचुरल चीज़ें, कुछ नेचुरल चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स। ये सभी लिविंग थिंग्स कहलाते हैं क्योंकि ये जीवित होते हैं, ये सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं। बट लेकिन सम नेचुरल थिंग्स दैट कैन नॉट ब्रीथ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ इस तरह की प्राकृतिक चीज़ें भी हैं जो सांस नहीं लेती और समय के साथ में ग्रो अप नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, सॉइल, लॉग एंड वाटर। जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं तो सब नेचुरल, लेकिन ये सब ग्रो अप नहीं करते और ना ही सांस लेते, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जीक्यूट, सर्कल द थिंग्स इन द पिक्चर विद ब्लू क्रेयॉन विच आर नेचुरल एंड पिंक क्रेयॉन विच आर मैन मेड। यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन है और आपने क्या करना है इसमें लिविंग सॉरी नेचुरल थिंग्स को और मैन मेड थिंग्स को आपने कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको आप ब्लू कलर के क्रेयॉन से सर्कल कीजिए और जो मैन मेड थिंग है उनको पिंक कलर के क्रेयॉन से सर्कल कीजिए। लेकिन अभी इस एक्टिविटी को जब आप नोटबुक में करेंगे तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करने की नीड नहीं है। पिक्चर आप यहाँ से देखिए और बीच में से लाइन ड्रॉ करके एक साइड आप लिखेंगे नेचुरल थिंग्स और दूसरी साइड आप लिखिए मैन मेड थिंग्स, और जो भी आप नेचुरल चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनको आप नेचुरल थिंग्स के कॉलम में लिखिए और जो भी आपको मैन मेड चीज़ें दिखाई देती हैं उनको आप मैन मेड थिंग्स के कॉलम में लिख लीजिए। नेक्स्ट वन इज मशीन्स। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, दे मेक अवर वर्क ईजी एंड मशीन सेव अवर टाइम। अब हम जानेंगे मशीन्स के बारे में। तो मशीन्स जो होती हैं वो मैन मेड थिंग्स हैं। पहली चीज़ जो जानने की है वो ये है कि मशीन जो है वो नेचुरल नहीं है, वो एक मैन मेड थिंग है जिसको ह्यूमन बींग्स ने तैयार किया है। दे मेक अवर वर्क ईजी, मशीन क्या करती है? हमारे काम को आसान बनाती है। हम किसी भी काम को बिना एफर्ट के ईजीली कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। एंड मशीन सेव अवर टाइम, और क्योंकि मशीन की स्पीड ह्यूमन बींग से ज़्यादा होती है तो वो इस काम को जल्दी कर लेती है और इससे आपका टाइम भी बचता है। मशीन डू नॉट गेट टायर्ड,
क्योंकि वो मशीन है तो वो कभी भी थकती नहीं है. मोस्ट ऑफ द मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं वो किससे रन करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन, यहाँ पर आपको मशीन्स के कुछ भी सॉरी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. मोबाइल, कार, फैन, वॉशिंग मशीन, एरोप्लेन, कैलकुलेटर एक्सेट्रा. तो ये सभी जो है मशीन के एग्जाम्पल हैं. कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन. जो कंप्यूटर है वो भी क्या है? एक मशीन है. इट हेल्प अस इन मैनी वेज, जो हमें बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है. इट लेट्स अस डू आवर वर्क इजीली एंड फास्टर. कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने वर्क को, एक तो वो इजीली हो जाता है और वो बहुत जल्दी हो जाता है. इट नेवर गेट टायर्ड, और वो कभी भी थकता नहीं है. आप लगातार कितने भी टाइम के लिए उस पर काम करेंगे तो. न्यू वर्ड्स, नेचुरल. नेचुरल मीन्स दैट ऑकर इन नेचर ऑन इट्स ओन. जो नए वर्ड्स आपने जाने इस चैप्टर में, नेचुरल. नेचुरल मतलब कोई भी चीज़ जो हमें प्रकृति से मिली है, जिसको हमने बनाया नहीं है. मैनमेड थिंग्स, मैनमेड थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. मैनमेड थिंग्स वो कहलाती हैं चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स जिसको बनाते हैं. मशीन, मशीन आर मैनमेड थिंग्स. दे मेक अवर वर्क ईजी एंड फास्टर. मशीन्स जो हैं वो मैनमेड थिंग है और ये हमारे काम को ईजी बनाती है और जल्दी कर देती है. इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो ऑलरेडी आपको सेंड की जा चुकी है. उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और साथ ही लर्न कीजिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.